केंद्र सरकार की तरफ से नई पेंशन नीति लागू की गई है। आपको बताते चले कि 1 जनवरी 2004 से जो लोग भी नौकरी कर रहे थे केंद्र सरकार में, उनके लिए राहत की खबर है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की तरफ से नई पेंशन नीति लागू किया गया, इससे 24 लाख कर्मचारियों को सीधे सीधे लाभ मिलेगा। साथ ही इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि अगर नीतीश सरकार इस कर लागू कर देती है तो 90 लाख कर्मचारियों को सीधे सीधे इसका फायदा मिलेगा। इसको लेकर के और क्या कुछ कह रहे जीतन राम बाजी, वो भी सुनवाते हैं आपको। नीचे फायदा मिलेगा क्या कहेंगे, 20 लाख हमारे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अगर राज्य सरकारें एग्री हो जाए इस पर तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। एक ऐतिहासिक कदम है नरेंद्र भाई मोदी जी का, और परिश्रम को उन्होंने उचित मुआवजा उचित दाम देने का काम किया है, इसके लिए हम लोग सब मोदी जी के प्रति आभार। राहुल गांधी ने कहा है कि कास्ट सेंसस हम लोग कराएंगे, 50% का गैप हटाएंगे, 90% जो लोग है वो सिस्टम में नहीं है, क्या कहेंगे? पहले आवेम सत्ता में वो स्वप्न देख रहे हैं, दीवार स्वप्न देख रहे हैं। अगर कुछ करना होगा तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो इस प्रकार का काम होगा। चंपई सोरेन पे क्या कहेंगे, उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा फैसला लूंगा आने वाले समय में, दलितों और आदिवासियों के लिए बड़ा काम करूंगा। चाहते हैं कि एनडीए में आए मजबूती। देखिए सही भी आ रहा है, पहले ही कहा है चंपई सोरेन को स्वागत करते हैं, उनके साथ होता है क्या उसी प्रकार की बात तो हमारे साथ भी ऐसी परिस्थिति में अब वो क्या निर्णय लेते हैं। हमने जो निर्णय लिया आप लोग देख रहे हैं, तो उसी प्रकार से वो क्या निर्णय लेते हैं। टोटली डिपेंड ऑन हिम। तेजस्वी ने कहा कि 17 साल में कुछ नहीं किया है एनडीए ने, और हर चीज में बिहार पिछले नंबर पे नंबर एक पर है, बेरोजगारी में महंगाई में क्या कहेंगे। एक चिड़िया है दिखता नहीं है, तो किसी को अगर दिखता नहीं है तो उसका क्या दोष है। तो आपने सुना किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे सीधे यानी नई पेंशन के तहत 24 लाख कर्मचारियों को फायदा तो मिलेगा ही, अब अलग अलग राज्यों से भी इसकी मांग उठने लगेगी। और साथ ही बिहार सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार से यानी जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं बिहार से ही है, उन्होंने नीतीश कुमार से एक बड़ी मांग कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर नीतीश कुमार बिहार में भी पेंशन नीति लागू करते हैं तो 90 लाख कर्मचारियों को सीधे फायदा होगा। अब देखना ये होगा कि लगातार जो है पेंशन को लेकर के लंबे अरसे से जो मांग चल रही थी, कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने उन कर्मचारियों का दर्द सुना है और 24 लाख कर्मचारियों को सीधे सीधे फायदा होने जा रहा है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्या बिहार सरकार के अंतर्गत जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं 1 जनवरी 2004 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है, क्या बिहार सरकार उनका दर्द समझेगी आने वाले समय में। जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने जो बातें कहा, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी बातों को अमल करते हैं, और यहाँ के जो कर्मचारी हैं 2004 के बाद जो लोग नियुक्ति हुए हैं, क्या उनके दर्द को महसूस करके नीतीश सरकार अब बिहार में भी पेंशन लागू करेगी। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।